जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024। इस बार 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि आश्विन अमावस्या तिथि का दिन होगा। इस दिन पितृ विसर्जन सर्व पितृ अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो जानेंगे यह सूर्य ग्रहण कहां कहां लग रहा है, सूर्य ग्रहण का क्या समय होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, ग्रहण के दौरान खास करके गर्भवती महिलाओं को इन 5 बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए और इस ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर क्या होगा, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। वैदिक पंचांगों के अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। अमावस्या तिथि पर जो कि सूर्य ग्रहण लगता है और वहीं पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगता है, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर और देश दुनिया पर भी पड़ता है। साथ ही यह ग्रहण किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक रहते हैं तो किसी के लिए सकारात्मक साबित होते हैं। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण यह कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लग रहा है। ग्रहण की शुरुआत जो कि 2 अक्टूबर की रात्रि 9:12 पे है। ग्रहण का मध्यकाल रात्रि 12:15 पे होगा और ग्रहण की समाप्ति रात्रि 3:17 पे, यानी कि 3 अक्टूबर के तड़के सुबह 3:17 पे ग्रहण की समाप्ति होगी। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो 12 घंटा पहले जो कि सूतक काल शुरू हो जाता है, तो 2 अक्टूबर सुबह 9:12 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। ग्रहण की कुल अवधि 6:04 की होगी। यह ग्रहण जो कि वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को शुभ साबित हो सकता है। इस अवधि में आपको काम कारोबार में खास सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने का भी योग बन रहा है। साथ ही परिवार के सदस्यों से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं बिजनेस में आपने जो निवेश किया था उसका आपको अचानक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वहीं बता दें कि यह सूर्य ग्रहण मेष तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह लाभकारी नहीं होगा। इन राशि वालों के लिए जो कि व्यक्तियों के साथ मन मुटाव हो सकता है, साथ ही धन की हानि का भी योग बन रहा है। वहीं इस समय किसी बात को लेकर के मानसिक अशांति भी हो सकती है। साथ ही वाहन आदि चलाते वक्त जो कि सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो इसका प्रभाव जो कि गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकले। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कहीं भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यदि आपको बेहद जरूरी है बाहर जाना तो आप पेट पर गेरू लपेट करके उसके बाद ज्यादा जरूरी होने पर आप बाहर निकल सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ख्याल रखना चाहिए कि वह नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे कि चाकू से सब्जी काटना, कैंची का इस्तेमाल करना, सुई का प्रयोग करना आदि कार्य जो कि यह वर्जित माना गया है। दरअसल यदि गर्भवती महिलाएं इन चीजों का प्रयोग करती हैं तो इसका प्रभाव जो कि बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान खास करके अपने मन ही मन में अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहना चाहिए। मन ही मन में अपने इष्ट देवता का मंत्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव बच्चे पर नहीं पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं एक धागा ले और उस धागे को अपनी लंबाई के अनुसार सर से लेकर के पैर तक उसे नाप लेनी चाहिए और फिर उस धागे को कहीं पर रख दे। पूरे ग्रहण काल में उसे वहीं रहने दे। ग्रहण समाप्त होने के बाद उस धागे को लेकर चलते हुए
जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। इस उपाय को करने से गर्भवती महिला के ऊपर और शिशु के ऊपर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ पाता है। अब आइए जानते हैं यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण, यह सूर्य ग्रहण जो कि कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण है, यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। यह ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेका आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया महासागर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग, फिजी, न्यू चिली, ब्राजील, मेक्सिको और पेरू में कुछ जगहों पर दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा और भारत में दिखाई नहीं देने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो 2 अक्टूबर को जो कि पितृ अमावस्या है, सर्व पितृ विसर्जन है, तो इन सभी कार्यों को किया जाएगा। इस दिन ना तो मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और ना ही पूजा पाठ आदि में कोई विघ्न होगा और दैनिक कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, तो आप इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण जब भी लगता है तो इसका प्रभाव कुछ न कुछ राशियों पर अवश्य ही पड़ता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होता है और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इस कारण से पृथ्वी का एक भाग पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।